इस समय आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है? आप अभी जिंदा हैं, है ना? You're alive right now, isn't it? वो सब तो ठीक है सद्गुरु, पर मेरे पास 1000 के नोटों का एक बंडल है सद्गुरु, और मुझे पता नहीं मैं कहाँ जाऊँ। That's fine. ठीक है, अभी वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है? आप अभी जिंदा हैं, है कि नहीं? चूंकि आप जिंदा हैं, आपका परिवार महत्वपूर्ण बन गया है, आपका पैसा महत्वपूर्ण बन गया है, आपका देश महत्वपूर्ण बन गया है, और भी कई सारी चीजें महत्वपूर्ण बन गई हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी आप जिंदा हैं। और यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अभी आपका जिंदा होना ही अभी आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो मान लीजिए कि आप कल सुबह जाग जाते हैं, आप जानते होंगे कि हर रोज इस ग्रह पर करीब 2.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। 2.5 लाख लोगों की मौत हो गई, लेकिन आपकी नहीं हुई। कल सुबह आप जाग गए, चेक कीजिए, क्या मैं जिंदा हूं? अगर आप जिंदा हैं तो क्या आप खुद को एक बड़ी सी मुस्कान देंगे? अगर आप जिंदा हैं, अगर नहीं तो मैं आपको रहने दूंगा। क्या आप खुद को एक बड़ी सी मुस्कान देंगे अगर आप जिंदा हैं तो? और अगर 2.5 लाख लोगों की मौत हुई तो कम से कम 20 से 30 लाख लोगों ने अपने किसी प्रिय व्यक्ति को खो दिया। तो आप उन 3-4 लोगों को चेक करें जो आपके लिए बहुत अहम हैं। हर कोई आज जिंदा है। एक और बड़ी सी मुस्कान। इसके बाद आप समय देखें, 11:30 बज रहे हैं, आप अभी भी जिंदा हैं। ये मत सोचिए कि एक मजाक है। जो यहाँ टिक टिक कर रही है वो घड़ी नहीं, आपकी जिंदगी है। ये घड़ी टिक टिक नहीं कर रही, आपकी जिंदगी टिक टिक कर रही है। और अब 12 बज गए हैं, आप अब भी जिंदा हैं। आपको मुझसे वादा करना होगा कि जब भी आप घड़ी देखेंगे आप खुद को एक बड़ी सी मुस्कान देंगे अगर आप जिंदा हैं तो। अगर आप मर चुके हैं तो आपको छूट है। लेकिन सड़कों पर इतने लोग तो ऐसे चलते हैं मानो वो अपनी कब्र के लिए अभ्यास कर रहे हैं। चिंता मत कीजिए, वो दिन भी आएगा। मौत बहुत बहुत असरदार होती है, इसके लिए अभ्यास की जरूरत नहीं है। जब ये घटती है तो बूम, 100% घटती है। कभी कोई बेअसर तरीके से नहीं मरा। लोग बेअसर तरीके से जीते हैं, लेकिन कोई बेअसर तरीके से नहीं मरा। तो क्या आप मुझसे यह वादा करेंगे जब भी आप घड़ी देखेंगे आप खुद को एक बड़ी सी मुस्कान देंगे? अभी भी जिंदा हूं, स्टिल ऑन। आप नहीं जानते कि ये कैसे चल रहा है। क्या आप सच में जानते? क्या आपको पता है कि ये कैसे चल रहा है? नहीं। और बहुत से लोग जो आपके और मेरी तरह बिल्कुल असली थे, और वो गायब हो जाते हैं, एकदम गायब, फिर वो कहीं नहीं दिखते। अगर आप अपनी नश्वरता के बारे में कभी कभी सोचते हैं तो ये विचार आपको उदास कर देगा, आपको भयभीत कर देगा। अगर आप हर पल इसके साथ जीते हैं तो ये आपको पूरी तरह से प्रसन्न और जीवंत बना देगा, क्योंकि केवल ये एक चीज कि ये जीवन हमेशा के लिए नहीं है, ये केवल थोड़े समय के लिए ही है। और आप जितना अधिक प्रसन्न होंगे ये उतना ही छोटा होता जाएगा। अगर आप परम आनंद में हैं तो इसे गायब होने में देर नहीं लगेगी। Yes. तो अगर आप इसे लंबा खींचना चाहते हैं आपको खुद को बिल्कुल दुखी बनाना होगा, वरना इसे ओझल होते देर नहीं लगेगी। अगर आपने इसके साथ समझौता कर लिया, अगर आप इस तरह जिए कि आप हर क्षण केवल एक और एक बात को ही सराहने लगें कि आपके जीवन में सबसे अहम बात यही है कि आप इस समय जिंदा हैं। जिंदा होना, पूरी तरह से जिंदा होना, 100% जिंदा होना ही सबसे अहम चीज़ है, क्योंकि अगर कोई चीज़ पूरी तरह से जिंदा है तभी आप उससे कुछ खूबसूरत बना सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में एक छोटा सा पौधा है, या मान लीजिए आपके घर में एक आम का पेड़ है, वो कुछ इस तरह है जो बस आपकी नकल कर रहा है। क्या आप इससे खूब सारी मिठास पा सकते हैं? नहीं, ये जबरदस्त तरीके से जिंदा है। अब आप इससे मिठास की उम्मीद कर सकते हैं। किसी को भी जीवन आम के पेड़ को यह सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेहरबानी करके मिठास दीजिए, यह अपने आप ही मिठास देगा, है ना? दुखी लोगों को सिखाने की जरूरत पड़ती है, कृपया प्रेम के साथ रहें, कृपया लोगों के साथ अच्छे से पेश आएं, नम्रता से पेश आएं, ये करें वो करें। ये सब करना जरूरी है क्योंकि आप केवल आधे जिंदा रह गए हैं। अगर आप जबरदस्त तरीके से जिंदा होते तो मानवीय चेतना की प्रकृति है कि वो मिठास का रस निकालती रहती है जीवन के हर क्षण में। हम नहीं जानते कि आप कौन से महान काम करेंगे या नहीं करेंगे, हम नहीं जानते कि आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेंगे या नहीं, हम नहीं जानते कि आप मिस्टर बोल्ट से तेज दौड़ेंगे या नहीं, हम नहीं जानते कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी या औरत बनेंगे या नहीं, पर ये काम तो आपको खुद के लिए करना ही चाहिए। इस एक चीज के आप हकदार हैं। ये एक चीज पूरी 100% आपके हाथों में है कि आप यहाँ एक आनंदित इंसान की तरह रह सकते हैं। इतना तो हम में से हर एक के लिए संभव है। हमारे आसपास की दुनिया को ठीक करने की हमारी क्षमता कई तरह की वास्तविकताओं पर निर्भर करती है। कुछ चीजें काम करती हैं, कुछ काम नहीं करती, क्योंकि इसमें बहुत सारे बल शामिल हैं। कई बार ये सब अपने आप ठिकाने पर आ जाता है और कई बार नहीं आता। लेकिन हमारे जीवन में हम जो भी कर सकते हैं वो हम करेंगे या नहीं, वो इसी के अनुसार तय होता है। अगर आप अपने स्वभाव से ही आनंदित हैं, यानी कि आपको दुख का कोई डर नहीं है, जब आपको दुख का कोई डर नहीं रहता, केवल तभी आप पूरी गति से अपने जीवन में आगे बढ़ने का साहस करेंगे। आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसे करेंगे। हमारे जीवन में अगर हम वो नहीं करते जो हम नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम वो नहीं करते जो हम कर सकते हैं तो हमारा जीवन दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ये मेरी इच्छा और आशीर्वाद है कि आप ऐसा एक दुर्भाग्य न बने। आप जो कुछ भी कर सकते हैं वो सब इस जीवन में होना ही चाहिए। अगर उसे होना है तो इसके लिए जिस बुनियादी माहौल की जरूरत है वो ये है कि आप खुद के स्वभाव से एक प्रसन्न इंसान हैं। समय क्या है? Still on, huh? Let's do it. Thank you. Thank you.